हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने 9.5 के क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4x² - 5x + 1 इंटू dx, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, दुगा समीकरण दे रखा है हमें अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को अकेला बनाना है, ठीक है ना। दुगा समीकरण देखते समझ में आ गया होगा, होल स्क्वायर बना के इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, इंडिपेंडेंट करना है। तो सबसे पहले हम 4 अंडर रूट के बाहर लेंगे, और 4 अंडर रूट के बाहर लेंगे तो वो अंडर रूट के साथ बाहर आएगा। इसका मतलब बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, ये बचेगा x² - 5/4x + 1/4 इंटू dx। अब जो भी x का गुणांक होगा उसे लेके उसका आधा करना है, उसका स्क्वायर करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x² - 5/4x + 1/4 + 5/8 का होल स्क्वायर 5/8 का होल स्क्वायर - 5/8 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब x - 5/8 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x - 5/8 का होल स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म 1/4 - 25/64, ठीक है ना। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 4, और ये कट जाएगा 16 टाइम, ठीक है ना, -25 और एलसीएम आ गया 64, ठीक है। तो ये बच गया आएगा ऊपर माइनस के 9 अपॉन 64, तो इसे लिख देंगे हम -3/8 का होल स्क्वायर इंटू dx। बात समझ में आई। तो अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x² - a² इंटू dx इक्वल टू log mod x + अंडर रूट x² - a² + c, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू log mod x, x क्या है, x - 5/8 x + अंडर रूट x² - a², तो जहाँ पर हमने 1/2 कॉमन लिया वहाँ से लिखना चालू कर देंगे, या फिर लिख देंगे इसको x² - a² और x² कितना है, x - 5/8 का होल स्क्वायर + a² कितना है, सॉरी -a² कितना है, 3/8 का स्क्वायर, -3/8 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। बात समझ में, इसको आप सॉल्व करके लिख दो, सॉल्व कर देंगे इसको 1/2 log mod 8x - 5/8 + अंडर रूट, और ये वाली टर्म मुझे मिल जाएगी इतनी, यानी x² - 5/4x + 1/4 + c। बात समझ में आई, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। मैं उनका आपको हिंट बता रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को सॉल्व करना है, वो सॉल्व करके आंसर मेरे से पूछ लेंगे, कमेंट में पूछ लेंगे या कैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर 13, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 5x - 6 - x² इंटू dx। तो देखो हमें द्विघात समीकरण के रूप में ही दे रखा है, ठीक है ना। हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा इसका, होल स्क्वायर बना के फिर जो भी हमारा फॉर्मूला इसमें सेट होगा उस फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट -sin कॉमन लेंगे अंडर रूट के अंदर, x² - 5x + 6 इंटू dx।
अब इसका मैं होल स्क्वायर बनाऊंगा, एक्स का जो भी गुणांक है उसे लेके उसका हाफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। और जब होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, तब उसके बाद मैं ये माइनस है अंदर डाल दूंगा, बात समझ आई। तो फिर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी होल स्क्वायर हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक्स क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो हम अंडर रूट के अंदर ही क्या ले लेंगे, माइनस साइन कॉमा ले लेंगे, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब एक्स का जो भी गुणांक लूँगा होगा उसको लूँगा, उसका हाफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। और इसका होल स्क्वायर बनाने के बाद हम इस माइनस साइन को वापस अंदर डाल देंगे और जो भी फॉर्मूला हमारा लगेगा उसमें वो अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। सेम हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बनाने के लिए एक तो मुझे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए और दूसरा मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कोफिशिएंट, ठीक है ना, मतलब कोई भी इसमें गुणांक नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ में, एक के अलावा। तो करेंगे सबसे पहले हम 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो वो पावर के साथ बाहर आ जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला तो ये बचेगा 2 प्लस 3 बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बात समझ में आई। अब मुझे एक्स स्क्वायर क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बनाने के लिए मैं अंडर रूट के अंदर ही क्या ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब एक्स का जो भी गुणांक होगा उसका हाफ करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, और क्या बनाएंगे इसका, हम होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब हमारा बन जाएगा तो जो भी माइनस साइन होगा उसको मैं अंडर रूट के, उसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हो, ठीक है ना, कॉपी कर लेंगे इतना और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x+2 अपॉन x+2 अपॉन अंडर रूट x² - 2x+4 - 2x+4 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ध्यान से, ऊपर मुझे लीनियर इक्वेशन दे रखा है और नीचे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना, रैखिक समीकरण दे रखा है ऊपर और नीचे द्विघात समीकरण दे रखा है, तो इसको चेंज करेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाले के फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, फैक्टर हो भी जाते तो अंडर रूट दे रखा है, बात समझ आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस x प्लस टू को लीनियर इक्वेशन को चेंज कर देंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर इंटू ए प्लस बी। बात को ध्यान रखेंगे कि ऊपर जब भी मुझे रैखिक समीकरण मिले और नीचे मुझे द्विघात समीकरण मिले तब मुझे ये काम करना है, रैखिक समीकरण को चेंज करना है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए इंटू टू एक्स माइनस टू प्लस बी मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2ax - 2a + b इज इक्वल टू एक्स प्लस टू करें, तुलना करने पर 2a इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, और माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2 + 2a, और a का वैल्यू है 1/2, इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, 3, ठीक है ना, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल और 2 + 1 = 3, तो b, a और b के वैल्यूज आ गए हैं, इनको उठा के हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो लिख देंगे a तथा b का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो मुझे x प्लस टू इज इक्वल टू ए मीन्स 1/2 इंटू 2x - 2 प्लस बी का वैल्यू 3, ये हो जाएगा, ठीक है ना।
ये मिलने के बाद में मेरा इंटीग्रल चेंज हो गया, आई इज इक्वल टू लिख देंगे एक्स प्लस टू के स्थान पे आ जाएगा 1/2 2x-2+3 अपॉन अंडर रूट x²-2x+4 dx। ठीक है ना, अलग अलग डिवाइड कर लो दोनों को, आई इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2x-2 अपॉन अंडर रूट x²-2x+4 dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√x²-2x+4 dx। बात समझ में आई, इसको हम i1 मान लेंगे और इसको हम i2 मान लेंगे। ठीक है ना, i1 हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x या फिर 1/2 को आप साथ ले लो, -2 अपॉन अंडर रूट x²-2x+4। तो मैंने मान लिया, यहाँ पे माना x²-2x+4 इज इक्वल टू t, तो 2x-2 dx इज इक्वल टू dt। तो i1 जो है वो मेरा बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट t, 1/2 इंटू 2 अंडर रूट t, यानी अंडर रूट t प्लस c बच गया। और अंडर रूट टी का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट x²-2x+4 + c। ठीक है ना, तो ये हमारा i1 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे i2। ठीक है ना, तो i2 लिख लेंगे, i2 इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x²-2x+4 dx। ठीक है, तो इसको होल स्क्वायर बनाना है, होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, x का गुणांक लेंगे, उसका हाफ करेंगे, ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, यानी x²-2x+4+1² - 1। ठीक है ना, क्योंकि x का गुणांक कितना है 2 और 2 का हाफ हो गया 1, तो और 1 का स्क्वायर हमने ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, तो ये बन जाएगा 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x-1² और 4-1 कितना 3, यानी +√3² इंटू dx। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x² + a² वाला, तो ये हो जाएगा 3 log mod x मीन्स 1x-1 प्लस अंडर रूट में लिखना है मुझे x² + a² इसको सॉल्व करने पे मुझे ये मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे मुझे ये मिलेगा। बात समझ में आई, तो इसको लिख देंगे हम x²-2x+4 + c2, यहाँ पर c1 था। ठीक है ना, तो अब मैं i लिख रहा हूँ, i क्या है मेरा, i1 + i2। i1 कितना है, अंडर रूट x²-2x+4। ठीक है ना, और i2 कितना है, यहाँ से +3 log mod x-1 प्लस अंडर रूट x²-2x+4 और प्लस c, c1 और c2 को मिला के हम लिख देंगे c, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x+1 √x²-x+1 dx। ठीक है ना, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही करना है इसके अंदर। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके आंसर में से पूछ लेंगे सही है नहीं है। तो इसको लिखूँगा मैं x+1 = a(d/dx)(x²-x+1)+b, यानी x+1 मुझे मिल गया a(2x-1)+b। हम गुणा कर लेंगे 2ax-a+b, ये a है, = x+1 मिलेगा। लिखेंगे तुलना करने पर यानी 2a = 1, a = मिलेगा 1/2 और -a + b = 1, यानी b =
वन प्लस वन बाई टू यानी बी इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री बाई टू। और ये उठा के हम समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो मुझे x प्लस वन इज इक्वल टू मिलेगा वन बाई टू टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री बाई टू। तो x प्लस वन के स्थान पे हमें ये लिखना है, तो जो i है वो चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन वन बाई टू एक्स प्लस वन के स्थान पे टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री बाई टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, वन बाई टू इंटीग्रेशन टू एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस थ्री बाई टू इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब आप इसे आई वन मानोगे और इसे मानोगे आई टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसको मैं टी मानूंगा, ये डी टी में चला जाएगा, तो वन अपॉन अंडर रूट टी यानी टू अंडर रूट टी हो जाएगा। तो आई वन हो जाएगा टू सॉरी वन बाई टू इंटू टू अंडर रूट टी, और टी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री बाई टू। इसमें मुझे क्या करना है कि एक्स का गुणा कर लूँगा, उसका हाफ करूँगा, ऐड करूँगा, सेपरेट करूँगा इस इक्वेशन में और होल स्क्वायर बनाऊँगा, और होल स्क्वायर बना के जो भी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा मेरा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उन तीनों में से जो भी फॉर्मूला यहाँ फिट हो रहा होगा उसमें हम यहाँ फिट कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको आगे आप सॉल्व करोगे, यहाँ तक कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका भी हम हिंट दे देंगे, आप इसको सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। एक्स प्लस थ्री अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो वही ऊपर दे रखा मुझे लीनियर इक्वेशन और नीचे देख रहा मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन को हम चेंज करेंगे इस तरीके से कि एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू और प्लस बी। तो यहाँ से x प्लस थ्री इज इक्वल टू ए इंटू टू एक्स प्लस टू प्लस बी मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस थ्री मिलेगा। और यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर टू ए इजक्वल टू वन, टू ए इजक्वल टू वन यानी a इजक्वल टू वन बाई टू, ठीक है ना। और 2a प्लस बी इजक्वल टू थ्री यानी b इजक्वल टू थ्री माइनस टू इंटू वन बाई टू, ए का जो भी वैल्यू था मैं पुट कर दिया, तो ये कैंसिल आउट, थ्री माइनस वन टू, तो b का वैल्यू आ गया टू। अब a और b का वैल्यू उठा के मैं समीकरण नंबर एक में रख दूंगा तो x प्लस थ्री इजक्वल टू मुझे मिलेगा वन बाई टू टू एक्स प्लस टू प्लस टू, ठीक है ना। और ये उठा के हम x प्लस थ्री का वैल्यू ये उठा के हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो जो i है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन वन बाई टू टू एक्स प्लस टू प्लस बी का वैल्यू टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, वन बाई टू इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स प्लस टू बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो ये तो वही, इसको टी मानूंगा, ये डी टी में चला जाएगा, ठीक है ना। ये अंडर रूट टी मिलने वाला है, वन अपॉन अंडर रूट टी कितना हो जाएगा टू अंडर रूट टी, यानी टू अंडर रूट टी कितना था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस टू। अब इसको मैं वही होल स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। होल स्क्वायर बना के जो भी फॉर्मूला हमारा फिट होगा उससे हम फॉर्मूला इसमें लगा के और क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो हिंट दे दिया है मैंने, आप क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट सेक एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो देखो अंडर रूट के अंदर सेक एक्स माइनस वन है, ठीक है ना। तो इसको हम sec x माइनस वन का कोई डायरेक्ट फार्मूला भी नहीं है जो इसमें हम लगा दें और इसको हम सॉल्व कर लें। तो
क्या करेंगे, सबसे पहले sec x को sin cos के रूप में चेंज करेंगे, LCM लेंगे उसको, थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे क्या आ रहा है। तो sec x को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 अपॉन cos x माइनस 1 इंटू dx। अब यहाँ पर जो cos x का उसका हम LCM लेंगे, तो LCM लेने पर मुझे मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन cos x इंटू dx, ठीक है ना। क्या अब इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? अब हो सकता है, ठीक है ना। 1 माइनस cos x का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, cos x का भी हम जानते हैं क्या हो जाएगा। तो क्या करूँ, 1 माइनस cos x का फॉर्मूला किस में चेंज हो सकता है? साइन में, ठीक है ना। अगर ये ऊपर वाला पार्ट साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज कैसे होगा कि 1 माइनस cos x को मैं लिखूँगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना। तो 1 माइनस cos x किस में चेंज हो गया? साइन में। अब इस वाले cos x को मैं किस में चेंज करूँ, ये हमें सोचना है। अगर ऊपर वाला पार्ट हमारा साइन में चेंज हुआ है तो नीचे वाला पार्ट हम कोशिश करेंगे कि वो cos में चेंज हो, ताकि हम cos को t माने और ऊपर वाला जो साइन है वो dt में चला जाए। बात समझ में आ रही है? अभी देखो cos x है, ठीक है ना, और cos x को साइन में अगर हम cos में हम चेंज करेंगे तो cos x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो cos x को इस तरीके से हम चेंज करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। तो कर देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ नीचे से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन लेने से क्या होगा, जो ऊपर वाला 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉमन लेने पर ये मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है ना। तो ये 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हम इजीली इसको कर सकते हैं, तो अभी थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले उतार लेना, बाद में रफ करेंगे। तो यहाँ जाएगा इंटीग्रेशन, देखो अंडर रूट है और यहाँ साइन स्क्वायर है, तो यहाँ तो बचेगा सिर्फ साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 अपॉन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यदि इसको भी मैं होल स्क्वायर के रूप में लिखूँ तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम मान लेंगे कॉस एक्स बाई 2 को टी मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो cos x बाई 2 को मैंने t माना, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे बहुत सारे, तो cos x बाई 2 का होता है माइनस साइन x बाई 2 इंटू x बाई 2 का करेंगे तो 1 बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। मुझे यहाँ पे सिर्फ साइन x बाई 2 डी एक्स चाहिए, तो लिख देंगे यहाँ पे साइन x बाई 2 डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 इंटू डी टी। बात समझ में आई? अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू के मान उठा के इस इक्वेशन में रख देते हैं सब, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 2 जो डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा माइनस 2 इंटू डी टी, तो माइनस 2 इंटू डी टी अपॉन नीचे अंडर रूट के स्थान में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं लिखूंगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर को 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अब इसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फॉर्मूला इसमें हम अप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 लॉग मॉड एक्स के स्थान पे टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा। अब t का वैल्यू हमने क्या माना था, t माना था हमने cos x बाई 2, तो cos x बाई 2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, माइनस 2 log mod t का वैल्यू कितना, cos x बाई 2, तो cos x बाई 2 प्लस अंडर रूट cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 नॉट क्लोज प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कॉपी करेंगे इसको, तो बुक में आपके जो आंसर सीट है उसमें आंसर ये नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो आप इतना टेंशन ना लें, हमारा आंसर ये भी सही है। और बुक का अगर आंसर मुझे लेकर आना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से, है ना, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मैं रेशनलाइजेशन करूँगा, ठीक है ना, परमेकरण करूँगा इस तरीके से,
कि इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर दे रखा है 1 cos x / cos x, ठीक है ना। तो मैं परिमेयकरण करूँगा तो मल्टीप्लाई करूँगा अंडर रूट 1 cos x / √1 cos x इंटू डी एक्स, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन, देखो अंडर रूट के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स क्या, अंडर रूट के अंदर ये है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, बात समझ में आई। और इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो अब साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ साइन एक्स बाहर आएगा, तो साइन एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर मैं कॉस एक्स को क्या मान लूँगा, टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि माइनस इधर भेजेंगे तो माइनस डी टी। तो ये मेरा चेंज हो गया इस तरीके से कि इंटीग्रेशन माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट टी प्लस टी स्क्वायर, बस समझ में आई यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, देखो द्विघात समीकरण दे दिया नीचे टी प्लस टी स्क्वायर द्विघात समीकरण दे दिया, एक्स का गुणांक यानी टी का जो भी गुणांक होगा 1 उसका हाफ करूँगा, इसमें ऐड करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा और उसके बाद मैं होल स्क्वायर बनाऊँगा और इसको मैं सॉल्व करूँगा। इसको सॉल्व करने के बाद मैं टी का वैल्यू मैं पुट करूँगा और टी का वैल्यू जब मैं पुट कर दूँगा तो जो आपकी बुक में आंसर शीट में जो क्वेश्चन का आंसर दे रखा है वो आपको मैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं और इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने हिंट दे दिया है, इस तरीके से अगर आपको करना है तो आप इसको सॉल्व करके देख लेना, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। मुझे अंडर रूट साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अल्फा दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें देखो यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के, ठीक है ना। अगर मैं इसमें साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी लगा देता हूँ तो ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, इसको करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मेरे पास एक तरीका है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे परिमेयकरण कर दूँ। अब परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि नीचे वाले का साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही काम करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू अंडर रूट साइन, नीचे वाले का साइन चेंज करना है यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऊपर देखो साइन एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट के ऊपर होल स्क्वायर यानी क्या बचेगा, सिर्फ साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन नीचे क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यहाँ लिख रहे हैं हम कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लेंगे और याद रखेंगे इसको। तो अब ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे क्योंकि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी मुझे दिख रहा है, तो ये मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन मिलेगा साइन एक्स माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स,
बात समझ में आई। अब यहाँ पर मैं ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक करने के बाद मैं इस अंडर रूट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को मैं अलग अलग इन दोनों में डिवाइड कर दूंगा। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर समझने क्या है कि एक्स मेरा चर है, एक्स जो है वो वेरिएबल के रूप में हमने ले रखा है इसमें, और जो अल्फा आएगा, ए आएगा, बीटा आएगा, गामा आएगा, वो सभी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इसमें देखो कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म है और इसमें साइन अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म है, तो यहाँ से तो मैं कॉस अल्फा को बाहर रख दूंगा, कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाला, यहाँ आ जाएगा ऊपर साइन एक्स अपॉन। अब देखो यहीं पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऊपर मुझे मिल गया साइन एक्स और नीचे मैं अंडर रूट के अंदर लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चलो लिख लेते हैं अभी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। तो देखो ये तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बन गया ए स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। कब, जब मैं इसको टी मानूंगा, और साइन एक्स को अगर मैंने टी मान लिया तो वो टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के रूप में आ गया। अगर मैंने साइन एक्स को टी मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स मुझे ऊपर चाहिए, ठीक है ना, क्या चाहिए, कॉस एक्स ऊपर मुझे चाहिए, या फिर कॉस एक्स को मैं अगर ऊपर नहीं लेके आ सकता तो इस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को मैं कॉस में बदल दूँ। अब कॉस में कैसे चेंज करूँगा, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है तो साइन स्क्वायर एक्स को मिल सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और साइन स्क्वायर अल्फा को मिल सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन से, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये प्लस और ये माइनस। इसका मतलब कि अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के स्थान पे मैं रख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ भाई। अब यहाँ पर अगर मैं कॉस एक्स को टी मान लूंगा तो ऊपर वाला साइन एक्स डी एक्स किसमें चला जाएगा, डी टी में। तो इस तरीके से मुझे चेंज करना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। आगे मिलेगा इंटू डी एक्स, आगे मिलेगा मुझे माइनस इंटीग्रेशन साइन अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लेंगे, तो साइन अल्फा इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ अगर साइन एक्स को मैं टी मानूंगा, यहाँ अगर मैं साइन एक्स को टी मानूंगा तो कॉस एक्स डी एक्स ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, तो यहाँ मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ चेंज करेंगे। तो इसको मैं लिख दूंगा कॉस एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन अल्फा इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू डी एक्स। बात समझ भाई। अच्छा ये आई वन माना मैंने, उसको यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें मान लूँगा माना कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। इसको मैं आई टू मानूंगा और यहीं सॉल्व कर रहा हूँ, साइन एक्स इक्वल टू टी मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा मेरा डी टी। बात समझ में आई। तो इंटीग्रल चेंज हो गया, यहाँ मुझे मिल जाएगा कॉस अल्फा इंटीग्रेशन, ऊपर वाली टर्म चेंज हो जाएगी माइनस डी टी में, तो माइनस साइन बाहर निकाल लिया और डी टी अपॉन अंडर रूट, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा के स्थान पे क्या आ जाएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, ए स्क्वायर के रूप में है, और ये बन जाएगा मेरा माइनस टी स्क्वायर। बात समझ में आई। आगे माइनस साइन अल्फा कॉन्स्टेंट टर्म है, मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा डी टी
अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको तो ऐसे ही लिखना है साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा माइनस कॉस एक्स अपॉन इंटीग्रेशन वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन अल्फा इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू अब इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स क्या है टी, ए क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। अब टी का जो भी वैल्यू था वो हम पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पर टी का वैल्यू कितना था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा, कॉस एक्स अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू लॉग मॉड, यहाँ पर टी का वैल्यू था साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है इंटू डी एक्स। तो देखो भिन्न पहचानो, कैसा भिन्न है, अंश में जो एक्स की घात है वो हर की घात से अधिक है, और जब अंश की घात हर की घात से अधिक हो जाए या बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं विषम परिमेय भिन्न, ठीक है ना। और विषम परिमेय भिन्न जब भी हमें मिलता है तो या तो मैं उसमें भाग देता हूँ या प्लस वन माइनस वन नंबर करते हैं, ठीक है ना, या फिर जैसा नीचे है वैसा हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही है, तो मैं यहाँ पर प्लस वन माइनस वन करूँगा, ठीक है ना। तो आप भाग भी दे सकते हो जाएगा ईजिली, और प्लस वन माइनस वन करूँगा तो ये मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब देखो ये एक्स का पावर 3 है, क्या मैं इसको 1 का पावर 3 कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर जो है वो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, बात समझ में आई। तो पहले इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, इंटीग्रेशन एक्स का पावर 3 माइनस 1 का पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आई, तो लिख देंगे इसको इंटीग्रेशन ए माइनस बी यानी एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है मेरा ये रहा, ठीक है ना, एक स्थान पर ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो एक्स इंटू वन एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर कितना हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। ये दोनों टर्म यहाँ कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ मुझे मिल गया इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। बात समझ भाई, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका हो जाएगा एक्स, और इसे मुझे सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे, एक्स का जो भी गुणांक होगा, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे वन, हाफ किया स्क्वायर किया ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। तो वन बाई टू करेंगे, तो मैं इसको पूरे को मान रहा हूँ आई वन और इसको मैंने मान लिया आई टू, तो आई वन तो सॉल्व हो जाएगा सीधा, हम आई टू सॉल्व करेंगे, आई टू लिख लिया इंटीग्रेशन, दिख रहा है इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर और 1 माइनस वन बाई फोर को सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 3 बाई फोर प्लस का, तो प्लस अंडर रूट 3 बाई टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, लिख देता हूँ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान रखेंगे ना फॉर्मूला में गड़बड़ हो जाती है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए, ए मीन्स अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और एक्स क्या है एक्स प्लस वन बाई टू अपॉन ए क्या है अंडर रूट थ्री बाई टू प्लस सी टू। सॉल्व करेंगे इसको तो टू अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू टेन इनवर्स ये मिलेगा मुझे, मिलेगा टू एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस सी टू। अब हम आई वन लिख देंगे, सॉरी आई वन क्या आई लिख देंगे, आई क्या है मेरा आई वन प्लस आई टू, तो आई इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, अंडर इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, और इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा एक्स प्लस आई टू मुझे लिखना है, आई टू क्या है टू अपॉन अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स टू एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस सी, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 ईजी है बहुत, इसका मैं आपको हिंट दे रहा हूँ आप सॉल्व करेंगे इसको, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर टू एक्स प्लस सिक्स ई की पावर एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो चर घातांक किए दे रखा है मैं, और चर घातांक के रूप में नीचे मुझे द्विघात समीकरण दे रखा है। ठीक है ना, तो सिंपली नीचे तो मुझे पता है कि होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा मुझे, और ई की पावर एक्स मुझे अगर ऊपर दे रखा है तो देखो दिख रहा है साफ साफ कि ई की पावर एक्स को अगर मैं टी मानूंगा तो ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो इंटीग्रल यहाँ चेंज हो गया मेरा, ऊपर आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर डी टी अपॉन नीचे आ जाएगा e की पावर 2x को मैं लिखूंगा t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5। अब इसका मुझे होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है ना, होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं 6 लूंगा, x का जो भी मल्टी गुणांक होता है उसको लेते हैं, उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी मुझे इसमें ऐड करना है, इसमें मुझे इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5 मुझे करना है प्लस 3 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर, तो चलो कर देते हैं इसको, होने वाला है ये आ जाएगा t प्लस 3 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 9 यानी माइनस का 4 यानी माइनस 2 स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 ए, ए मीन्स 2 इंटू लॉग मॉड t एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। टी का वैल्यू जो भी है वो हम पुट कर देंगे, टी का वैल्यू क्या है ई का पावर एक्स प्लस वन मिलेगा यहाँ पे अपॉन ई का पावर एक्स प्लस फाइव मिलेगा यहाँ पे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको।